इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट्स या एक्वस सॉल्यूशंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसकी कुछ जनरल डायनामिक्स देखे थे, इसके अंदर क्या हो रहा होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने देखा कि एक सेल होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम ब्लू से यहाँ पे शो कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है? दिस इलेक्ट्रोलाइट इज़ आइदर अ फ्यूज्ड सॉल्ट। फ्यूज्ड का मतलब होता है मोल्टन स्टेट के अंदर, यानी आपने मेल्ट कर दिया है किसी सॉल्ट को जो कि सॉलिड था, या फिर ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस मींस कि आपने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन से ये होता है कि उसके आयंस बन जाते हैं, आयनाइजेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यू टुक सोडियम क्लोराइड, सो सोडियम क्लोराइड विल चेंज इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव वंस इट इज़ इन एन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर फ्यूज्ड सॉल्ट आपने लिया हुआ है तो उसमें भी डेफिनेटली सोडियम और क्लोराइड के आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ये होता है कि चूंकि बीच में पानी भी है तो पानी H प्लस और OH के अंदर भी डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यू हैव फोर बेसिक कंपोनेंट्स इन वाटर इन द सॉल्यूशन। एक तो आपके पास जो आपने सॉल्ट यूज़ किया है उसके आयंस होंगे, और दूसरा आपके पास वाटर के आयंस होंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो सिंपल ये की थी कि यू हैव सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक दिस, लेट्स फिल इट इन। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप क्या करते हो कि यू पुट टू इलेक्ट्रोड्स, यहां पे आप कुछ दो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हो। दीज इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली कंडक्टिंग होती है इनकी नेचर, दीज आर नॉर्मली सम मेटल्स, राइट। यहां पे आपने दो इलेक्ट्रोड यूज कर लिए, और फिर इन इलेक्ट्रोड्स को आप बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, कुछ डीसी सोर्स यहां पे आप अप्लाई करते हो, वोल्टेज देते हो। एक साइड पे आप पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव उसका वोल्टेज अपीयर हो रही होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इन प्लेट्स के ऊपर। जिसके ऊपर नेगेटिव आता है हमने कहा था कि हम उसको कैथोड बोल देते हैं, दिस वन इज अ कैथोड, और जिसके ऊपर पॉजिटिव आता है वी कॉल इट एनोड। उसके बाद यह होता है कि सोल्यूशन के अंदर यू हैड टू टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव आयंस जो कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव आयंस को वी कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस को हमने बोला था एनायंस। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात करनी है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी फ्यूज्ड सॉल्ट की मोल्टन स्टेट के अंदर या किसी एक्वस सॉल्यूशन की, तो किस किस्म के रिएक्शन ओवरऑल हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रही होती है, जिसका हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इससे फाइनली बनता क्या है, इससे प्रोडक्ट्स किस किस्म के यील्ड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्यूज्ड सॉल्ट केस। फ्यूज्ड सॉल्ट के केस में आपके पास ये होता है, लेट्स से यू हैव कैल्शियम क्लोराइड एज द सॉल्ट। सो कैल्शियम क्लोराइड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डिसोसिएट होगा, इट विल चेंज इनटू कैल्शियम पॉजिटिव 2 इन एक्वस फॉर्म एंड क्लोराइड आयंस इन एक्वस फॉर्म। अगर तो आपने इसको सिंपली बल्कि ये मैंने एक्वस लिख दिया, एक्वस तो तब होता है अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालो, माय बैड, सॉरी, दिस इज नॉट एक्वस, ये सिंपली आपके पास फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर यूं आयंस बन जाएंगे, ठीक है। ये फ्यूज्ड आपने किया है, मेल्ट किया है उसको। अब फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम पॉजिटिव 2 जो है इट इज पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ जाएगा, यानी कैथोड की तरफ जाएगा। सो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, रिडक्शन होती है कैथोड पे, सो कैल्शियम पॉजिटिव 2 रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस होने का मतलब है इसका चार्ज प्लस 2 से कम हो जाएगा, सो इट विल एक्चुअली टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड चेंज इन टू सी ए, कैल्शियम मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगा, एंड इट विल डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, जो आपका कैथोड था उसके ऊपर एक कैल्शियम का एटम आके डिपॉजिट हो जाएगा। एट एनोड ऑक्सीडेशन विल बी टेकिंग प्लेस, और ऑक्सीडेशन किस चीज की हो रही होगी, डेफिनेटली जो नेगेटिव चीज होगी, क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, सो जो नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है विच इज क्लोराइड, इट विल गिव अवे वन इलेक्ट्रॉन, Cl एटॉमिक स्टेट में ये चेंज हो जाएगी, एंड साथ में एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हम इसको यूं लिखते हैं कि एक्चुअली 2 क्लोराइड्स विल गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दो Cl आपस में मिलके Cl2
टू बना देते हैं विथ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन. सो क्लोरीन गैस जो है ये आपकी फॉर्म हो इस तरीके से. आप देखो आपने इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस कर दिए हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी बैलेंस्ड ओवरऑल. अगर दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे यूज हो रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे प्रोड्यूस भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि सर्किट की डायनामिक्स कंप्लीट रहें और करंट फ्लो करता रहे. अगर यहां से आपने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं सॉल्यूशन के अंदर आए हैं तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स वापस भी जाने चाहिए ताकि अंदर जो करंट है ये जो सेल के, इसको हम सेल कह रहे थे ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जो अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो किस चीज की वजह से कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स और आइंस की वजह से. और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बाहर करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है, यूं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है. और इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव क्या चीज कर रही है, जो ऊपर आपने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ यू टेक लेड क्लोराइड विच इज PbCl2, यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लेड प्लस टू एंड क्लोराइड माइनस वन विल बी फॉर्म्ड. एक्चुअली लेड जो है इट इज प्लम्बम, इसके दो किस्म के आइंस बनते हैं, इट इज आइदर लेड प्लस टू और लेड प्लस फोर. लेड प्लस टू को हम प्लम्बस एंड लेड प्लस फोर को हम प्लम्बिक कहते हैं. सो दिस इज बेसिकली प्लम्बस क्लोराइड. अगर ये PbCl4 होता है तो आई वुड कॉल इट प्लम्बिक क्लोराइड. ये PbCl2, ये एक्चुअली टू इधर ऊपर से यहां पे नीचे आया हुआ, सो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई के Pb प्लस टू आइंस प्रोड्यूस होंगे. नाउ यू हैव Pb प्लस टू एंड Cl माइनस वन इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. तो जब आपका जो कैथोड होगा इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इसके पास पॉजिटिव चीज जाती है. सो लेड प्लस टू विल गो टू द कैथोड, विल टेक टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड विल चेंज इन टू लेड, एटॉमिक लेड. एंड दिस एटॉमिक लेड विल डिपॉजिट, ये डिपॉजिट हो जाएगा जाके आपका कैथोड के ऊपर. और जो आपका एनोड है उस पर क्या रिएक्शन हो रहा होगा, एनोड के ऊपर क्लोराइड जाएगा. क्लोराइड माइनस वन का मतलब इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो मजीद तो नहीं लेगा ना ये इलेक्ट्रॉन, ये वापस कर देगा, ये दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सिमिलरली इट विल चेंज इनटू एटॉमिक क्लोरीन. अगर दो ये हों और दो इलेक्ट्रॉन्स मिले तो आपके पास दो क्लोराइड्स, दो आपके पास Cl2 प्रोड्यूस हो जाएगा. आप ओवरऑल भी रिएक्शन लिख सकते हो, नॉर्मली इट्स बेटर टू राइट ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है. तो दो इलेक्ट्रॉन्स यू हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दे गेट कैंसल्ड विद द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड, राइट. सो यू कैन अदरवाइज से दैट Pb प्लस टू एंड टू क्लोराइड्स आर चेंजिंग इनटू लेड प्लस क्लोरीन. अब Pb प्लस टू Cl को आप लिख सकते हो PbCl2, क्योंकि ये इसी से तो निकला था, यानी लेड क्लोराइड आपने लिया था, इसको आपने फ्यूज किया, फ्यूज करने से ये आइंस में चेंज हो गया, एक लेड का और दो क्लोराइड के. यहां पे भी एक्चुअली ऊपर टू आएगा, आई फॉरगॉट टू राइट हियर, यहां पे ऊपर टू आएगा, ये टू इसलिए क्योंकि यहां पे दो क्लोरीन्स थे. सो आपने लेड क्लोराइड को जब फ्यूज किया तो इट चेंज इनटू आइंस, और फिर उन आइंस के साथ जब आपने करंट पास किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लेड प्लस टू से जीरो पे आ गया, यानी लेड रिड्यूस हो गया, और क्लोराइड माइनस वन से जीरो चार्ज पे आ गया, क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया. तो दिस इज डेफिनेटली अ रेडॉक्स रिएक्शन, और ये मैंने एक रेडॉक्स इक्वेशन लिख दी है इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस की, राइट. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रेटी सिंपल. इसके अंदर मैं आपको कोई भी और अगर दे दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, अगर लेड ब्रोमाइड हो तो डेफिनेटली यू कैन से कि लेड प्लस टू बनेगा जब आप फ्यूज करोगे तो, और दो ब्रोमाइड्स बनेंगे, और फिर जब फर्दर रेडॉक्स इसका रिएक्शन होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो चुका होगा, ये आपने फ्यूज किया था यहां पे, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई लेड विल चेंज इनटू लेड, एटॉमिक लेड, और साथ में दो ब्रोमाइड्स जो हैं ये आपके पास ब्रोमीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे एट एनोड, और ये आपका लेड जो है दिस विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, ये जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब किसी फ्यूज्ड सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं. बट प्रॉब्लम तब आता है जब आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हो. प्रॉब्लम क्यों आता है, प्रॉब्लम इस वजह से आता है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ना सिर्फ आपके पास जो सॉल्ट है उसके आइंस होते हैं, आपके पास वाटर भी डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है. लेट अस राइट इट इन अ डिटेल्ड फॉर्म. वाटर जो है एक्चुअली आप अगर सिंप्लीफाई करके देखो तो ये एक्चुअली कुछ ऐसे आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, कि एक H प्लस और एक OH माइनस जो है ये सेपरेट हो जाते हैं वंस वाटर डिसोसिएट्स. डिसोसिएट का मतलब है ये टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है. नाउ
एक्चुअली ये रिएक्शन यूँ नहीं लिखना चाहिए, अ मोर सिस्टमेटिक वे ऑफ राइटिंग इट इज टू टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स आप लो, इससे दो प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, और साथ इसके एक सॉरी दो प्रोटॉन्स नहीं अलग हो जाते, सॉरी, इससे आपका एक हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव वन अलग हो जाता है और साथ में एक OH माइनस अलग हो जाता है। कैन यू रिलेट दीज टू रिएक्शंस, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है, या ऊपर वाला देख के नीचे वाला लिख सकते हो? मैंने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे एक वाटर एक्स्ट्रा डाल दिया, यही किया ना मैंने। राइट साइड पे मैंने क्या किया है कि OH को मैंने OH ही लिखा रहा है, यहां पे मैंने H प्लस के साथ एक वाटर डाल दिया। यू नो कि वाटर में और हाइड्रोनियम आयन में क्या डिफरेंस है? वाटर इज सिंपली एक ऑक्सीजन है जिसके साथ दो हाइड्रोजन जो हैं दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट इट दिस वे, ओ एच एंड एच। हाइड्रोनियम में क्या होता है, यू हैव अ थर्ड हाइड्रोजन अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये जो थर्ड हाइड्रोजन है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज था पॉजिटिव, सो इस पूरे के ऊपर एक प्लस वन चार्ज आ जाता। सो दिस H3O इज देन कॉल्ड ए हाइड्रोनियम आयन एंड इट हैज अ पॉजिटिव वन चार्ज, जबकि वाटर के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। सो इन अदर वर्ड्स ये दोनों रिएक्शंस एक ही हैं, बट दिस लोअर वन इज अ मोर सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग, सो बुक्स में आपको अक्सर इस फॉर्म के अंदर नजर आएगा, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज, ये दोनों एक ही चीज है। उसमें सिंपली एक वाटर को आपने प्रोटॉन के साथ H प्लस प्रोटॉन के साथ अटैच करके हाइड्रोनियम में चेंज किया हुआ। अब प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि आपका एक तो कैथोड है और एक एनोड है, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव। नाउ लेट्स से दिस इज कैथोड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज एनोड एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब सॉल्यूशन के अंदर दो किस्म की चीजें हैं, यह आपका एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब अब यह हुआ कि इसमें एक तो H3O पॉजिटिव है और दूसरा जो आपने मेटल यूज किया है वो होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है तो एक तो Na पॉजिटिव होगा और एक H3O पॉजिटिव होगा। इसी तरह एक तो Cl माइनस होगा और एक OH माइनस भी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कैथोड के पास सोडियम जाएगा या हाइड्रोनियम जाएगा, और एक और क्वेश्चन ये रेज होता है कि एनोड के पास ये जाएगा या ये जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तो ये है कि डेफिनेटली कोई दोनों तो नहीं जा सकती, कोई एक चीज़ जाती है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन के मैं आपको डायनेमिक्स बताऊं तो एक्चुअली ये होता है कि हाइड्रोनियम आयन जो है दिस गोड्स टू कैथोड, ये वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली सी अगर ये हाइड्रोजन होता तो फिर क्या बनता, बट लेट्स से एक आपके पास वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और साथ आपके पास हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। एन इजियर वे ऑफ राइटिंग द सेम इक्वेशन इज कि आप H प्लस लेते और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालते तो ये क्या बनता, H जीरो बनता। और H प्लस और H3O में क्या फर्क है कि एक एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है H प्लस के साथ, तो बेसिकली ये वो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल है जो ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है। होप यू आर क्लियर अबाउट इट। ये दोनों एक ही रिएक्शन है, इनमें कोई फर्क नहीं है, यू कैन राइट आइदर ऑफ देम इन योर एग्जाम, और नॉर्मली बच्चे प्रेफर करते हैं नीचे वाला बिकॉज इट इज सिंपल। ओके, सो वाटर जो है वो एच की फॉर्म में जाके कैथोड के पास चला गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल, और उसने क्या किया कि एच जीरो में चेंज हो गया। सो इट बेसिकली टू, इट्स बेटर टू राइट इट दिस वे, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एच टू गैस आपकी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी एट कैथोड। दिस इज योर कैथोड रिएक्शन। अब एनोड के ऊपर क्या हो रहा होगा, एनोड के ऊपर अगेन यू हैव ऑप्शन, आप दो में से कोई एक चीज जाएगी ना, ये दोनों तो नहीं जा सकते ना, हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन में से कोई एक चीज जाएगी। सो व्हाट हैपेंस इज कि क्लोरीन जो है वो चला जाता है एनोड के ऊपर, इट गिव्स अवे एन इलेक्ट्रॉन, चेंजेस इनटू सीएल जीरो एंड टू क्लोराइड्स विल मेक सीएल टू इन दिस केस, लिबरेटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So your products will actually be chlorine at anode and hydrogen at cathode. And what happens to the rest of the molecules? What happens to hydroxide? And what happens to sodium? They stay in the solution. Ye solution ke andar hi rehte hain, inpe koi fark nahi padta. They stay in the solution.
एंड ऑफन ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं एंड इन दिस केस सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड मिलके सोडियम हाइड्रोसाइड बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. एंड एक्चुअली स्पीकिंग ये जो अभी मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया है, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम सेल. डायफ्राम सेल, यहाँ पे दरमियान में एक डायफ्राम भी यूज किया जाता है इसमें, और इसका काम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना. सो कमर्शियली जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं तो इस तरीके से किया करते हैं, ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम NaCl का सोल्यूशन लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं. उसमें क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस H3O पॉजिटिव OH माइनस प्रोड्यूस हो जाते हैं. और फिर इलेक्ट्रोलिसिस इस तरीके से होती है कि ये वाली जो दो चीजें हैं ये डिस्चार्ज हो जाती हैं, हाइड्रोनियम एट कैथोड, क्लोराइड एट एनोड, और जो बाकी दो चीजें हैं दे स्टे इन द सॉल्यूशन, रिएक्ट टुगेदर टू मेक द सोडियम हाइड्रोसाइड जो कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है. लेट्स टेक अनदर केस. इन दिस केस सोडियम क्लोराइड की बजाय हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट इज Na प्लस वन, सल्फेट इज SO4 माइनस टू, सो दिस इज Na2SO4. यू टेक Na2SO4, जब आप इसको एक्वस फॉर्म में ले रहे हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज इन टू Na पॉजिटिव एंड सल्फेट माइनस टू, दो Na प्रोड्यूस होंगे, ठीक है. ये आपकी आयनाइजेशन होगी एक्वस फॉर्म के अंदर, और साथ आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट. अब इन चार में से कौन सी चीजें कैथोड पे जाएंगी, कौन सी एनोड पे जाएंगी, दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो इसकी डायनेमिक्स में आपको अगर जुबानी बताऊं, लेट्स टेक दिस नेगेटिव वन एज कैथोड एंड इसको हम पॉजिटिव को एनोड कर देते हैं. दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड. कैथोड के ऊपर क्या होता है कि पॉजिटिव एंटिटी इनमें से जानी है, सो सोडियम नहीं जाता बल्कि हाइड्रोनियम चला जाता, ठीक है. हाइड्रोनियम विल गो एट द कैथोड, इट विल टेक एन इलेक्ट्रॉन, एज आई सेड इट विल टेक एन इलेक्ट्रॉन, चेंज इन टू हाइड्रोजन, और साथ में वो वाटर एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा जो इधर एक्स्ट्रा एच प्लस के साथ जुड़ा हुआ था. और अगर आप ये दो सारी चीजें लो, दो इलेक्ट्रॉन्स लो, तो ये एच टू एंड साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे. दिस इज द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट कैथोड. एनोड के ऊपर अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सल्फेट जाएगा या हाइड्रोक्साइड जाएगा. सो वट हैपन्स इज के हाइड्रोक्साइड एनोड पे जाता है, इट गिव्स अवे एन इलेक्ट्रॉन एंड ओ एच के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है. और इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करके देखना चाहते हो, OH जो है ये एक्चुअली OH इज वेरी अनस्टेबल, ये चार OH मिलके O2 4H जो है, सॉरी 4OH, राइट दिस वे, 4OH जो है ये स्प्लिट हो जाते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर और दो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, राइट. सो लेट मी मेक इट फर्दर सिंपल, आप यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मेक इट 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस विल बिकम 4OH एंड 4OH ऑटोमेटिकली यू कैन देन राइट O2 एंड टू वाटर मॉलिक्यूल्स. लेट्स राइट एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड टू वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट हो गया. अब ये रिएक्शन तो ठीक है, बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, तो ऊपर वाले में बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस वुड बिकम 4, 4, 2 एंड 4. लेट मी राइट इट हियर, 4 हाइड्रोनियम्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एच टू एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ यू कैन राइट द ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा होगा. यू कैन कट द 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइदर साइड्स. यू हैव 4 हाइड्रोनियम आइंस एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. इनको ओवरऑल इफ यू राइट, दिस बिकम्स 8 एच टू ओज. इसकी वजह ये क्योंकि एक हाइड्रोनियम और एक OH मिलके दो वाटर मॉलिक्यूल से एक्चुअली डिराइव होता है. सो 4 हाइड्रोनियम्स और 4 OH एक्चुअली 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग इनटू 2 H2 प्लस O2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट 6, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इस साइड पे आके मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग इन टू 2H2 प्लस O2, ठीक है. यू आर एक्चुअली चेंजिंग वाटर इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप प्रोड्यूस कर रहे हो. इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन एनी अदर वे. इलेक्ट्रोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस जिससे आप ये कर सकते हो,
देर इज अ क्वेश्चन जो आपके जहन में अभी उठ रहा होगा, मे भी आप पहले भी सोच रहे होंगे, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज कैथोड पे जाएगी और कौन सी चीज एनोड पे जाएगी? ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैसे तो इसका ताल्लुक रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ है. रिएक्शन काइनेटिक्स इज योर नेक्स्ट चैप्टर, यू माइट बी विल बी स्टडिंग इन दिस बुक. रिएक्शन काइनेटिक्स इज रिलेटेड टू द एनर्जीज एसोसिएटेड व्हेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. नाउ अगर एन ए एक इलेक्ट्रॉन ले और इसमें चेंज हो, और दूसरी तरफ अगर एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले और इसमें चेंज हो, इन दोनों में से डेफिनेटली कोई एक काम सिंपल होगा और एक थोड़ा मुश्किल होगा. यानी अगर इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, किस में इलेक्ट्रॉन वापस डाला जाए तो ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी? जिस चीज को आपको याद होगा, आप जिस चीज को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला करते थे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, वैसे तो वो जो होता है वो एनए के अंदर डाला जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर एनए की बात की जा रही है. बट आप कंपेयर कर सकते हो उसे, जस्ट गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट कि रिएक्शन काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें फेवरेबल रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन का. ठीक है, सिमिलरली सल्फेट इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल. इवन इफ सल्फेट गिव्स अवे टू इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल हैपन? SO4 की चीज होती है, यही तो प्रॉब्लम है. SO4 डज नॉट एग्जिस्ट. एंड इवन अगर SO4 एग्जिस्ट करता भी होता, ये स्प्लिट हो के अगर SO3 वगैरह में चेंज हो भी जाए, दैट इज हाईली अनस्टेबल. सो ये ओवरऑल रिएक्शन ये फेवर करेगा कि बजाय इसके कि सल्फेट जो है वो आपका एनोड पे जाए, हाइड्रोक्साइड चले जाते हैं. ठीक है, इसका ओवरऑल मैं आपको कुछ थोड़ी सी समरी बता देता हूं इनके सम एग्जांपल्स के साथ. अगर आपके पास कॉपर प्लस टू सल्फेट माइनस टू है, तो व्हाट हैपेंस इज कि कॉपर आपका कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाता है, CU बना देता है, और सल्फेट की बजाय हाइड्रोक्साइड आपका वहां पे डिस्चार्ज हो जाता है, मेकिंग ऑक्सीजन गैस. ठीक है, अभी आप पढ़ चुके हो कि जब हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होता है तो यू गेट ऑक्सीजन. इन केस ऑफ कॉपर क्लोराइड व्हाट हैपेंस इज कि ये CU प्लस टू है, CL माइनस वन होता है यहां पे. सो कॉपर आपका कैथोड पे डिस्चार्ज होता है और क्लोराइड आपका एनोड पे डिस्चार्ज होता है, जो कि क्लोरीन गैस में चेंज हो जाता है. इन केस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, आपका कैथोड के ऊपर पोटेशियम नहीं जाता बल्कि हाइड्रोजन चला जाता है, हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस, और नाइट्रेट नहीं जाता बल्कि हाइड्रोक्साइड चला जाता है, इट चेंजेस इनटू ऑक्सीजन गैस. सिमिलरली यू हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके मैं आपको बल्कि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया. इसमें एक Na प्लस वन है, OH माइनस वन है, तो Na से कंपेरेटिवली हाइड्रोजन का डिस्चार्ज होना ईजी है, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ. और हाइड्रोक्साइड इसमें तो है भी, इसमें भी हाइड्रोक्साइड है और वाटर में भी एक H प्लस और दूसरा हाइड्रोक्साइड ही होता है, तो डेफिनेटली इसमें दोनों हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड ही डिस्चार्ज होगा, यू विल गेट ऑक्सीजन. इन केस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो उसका, तो यू हैव प्रोटॉन्स एंड सल्फेट्स. सो डेफिनेटली प्रोटॉन वाटर में भी पहली चीज प्रोटॉन ही होता है, सो यहां पे प्रोटॉन ही डिस्चार्ज होंगे एट कैथोड, यू विल गेट H2, और एनोड के ऊपर यू विल गेट O2 बिकॉज सल्फेट इज अ बिग थिंग. ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ सल्फेट डिस्चार्ज नहीं होता. ठीक है, एज फार एज योर कोर्स इज कंसर्न्ड, आपके कोर्स में नॉर्मली इसी तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस शामिल है, सो डोंट वरी, आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, लाइक कैल्शियम, लाइक सोडियम, दे आर डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज कंपेयर टू हाइड्रोजन, राइट? बल्कि लेकिन जो भारी मेटल्स हैं लाइक कॉपर, लाइक आयरन, ये इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं एट द कैथोड. ठीक है, दिस इज द सिंपल रूल. और दूसरा एनोड के ऊपर यू कैन मेमोराइज द सिंपल रूल, जितना मॉलिक्यूल छोटा होगा उतना इजीली डिस्चार्ज होगा. सो एट एनोड इफ यू हैव बिग मॉलिक्यूल्स, बिग रेडिकल्स लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, तो ये डिस्चार्ज नहीं होते बल्कि हाइड्रोक्साइड हो जाता है एंड करस्पॉन्डिंगली ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है. दिस इज इट फॉर टूडेज लेक्चर. इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे. विल सी के इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ फ्यूज्ड सॉल्ट्स या एक्वस सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यील्ड किए जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस.